रणबीर कपूर की फिल्म संजू बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है। इस फिल्म में रणबीर ने कमाल की एक्टिंग की है। संजय दत्त के किरदार में रणबीर ऐसे घुस गए थे मानो वो रणबीर नहीं बल्कि संजू बाबा ही हों। फिल्म में उन्होंने संजय दत्त की जिंदगी को पर्दे पर जिया है। संजय की जिंदगी बेहद उथल पुथल भरी रही है। उनकी जिंदगी ड्रग्स, शराब और कई विवादों से भरी रही। वही फिल्म में जेल से लेकर ड्रग्स लेने की एक्टिंग में उन्होंने जान डाल दी। फिल्म की तरह ही रणबीर ने रियल लाइफ में भी ड्रग्स लिया है। इस बात का खुलासा रणबीर कपूर ने हाल ही में एक इंटरव्यू में करा है। इंटरव्यू के दौरान रणबीर ने कहा, जब मैं कॉलेज में था तब मैंने ड्रग्स लिया। उस वक्त मैं बुरी संगत में पड़ गया था, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं ड्रग्स लेता रहा तो जिंदगी में कुछ भी नहीं होगा। ये फिल्म बच्चों और युवाओं के लिए एक बेहतरीन सबक है कि 5 मिनट का आनंद आपके पूरे जीवन को खराब कर सकता है। ये सबसे बुरी चीज है। संजय दत्त बहुत स्ट्रांग थे। वो एक फाइटर की तरह इससे बाहर आए और एक स्टार बन गए। रणबीर ने बताया कि वो गलत संगत में फंस गए थे। रणबीर ने कहा, हर आदमी अपने जीवन में गलतियां करता है। मैं निकोटीन का आदी हूं और ये ड्रग से भी बदतर है। इसके अलावा मिठाई की भी मुझे लत है। तो सुना आपने, रणबीर को भी निकोटीन की और मिठाई की लत है। लेकिन क्या संजू बाबा की तरह रणबीर भी अपनी इस खराब आदत को छोड़ पाएंगे या नहीं? आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और बॉलीवुड से जुड़ी तमाम गॉसिप्स के लिए हमारे साथ बने रहें।